ढेर सारे सपनों के साथ शुरू हुई थी हमारी सुगनी की यात्रा। नाचने वालियों के घर में जन्मे, फिर भी इज्जत की, मान की, और सबसे बड़ी बात, एक सुहागन की जिंदगी जीने का सपना देखा था हमारी मोड़ी। हम जिससे शादी करेंगे वो तो रायपुर या ग्वालियर से आएगा, बढ़िया सजीला समझदार ठाकुर बिक्रम सिंह, वो उसके जीवन में आए। प्यार करने लगे तुमसे? बहुत प्यार किया उन्होंने हमारी मोड़ी को, पर साथ ही में बहुत बड़ा धोखा भी दिया। हम ठाकुर साहिब की पत्नी, इसलिए जो सच्चाई जानने के बाद वो अपने ही शादी के मंडप से उठ गए। आदित्य ठाकुर मालक ने हमारी मोड़ी का साथ दिया और ये रिश्ता आदित्य ठाकुर मालक के लिए प्यार का रिश्ता कब बन गया जो वो खुद भी ना जान पाए। आज हमारी मोड़ी जिंदगी के दो राहे पर खड़ी, क्या होने वाला है हमारी मोड़ी की जिंदगी में और किस परीक्षा से गुजरना होगा। अच्छा होगा अगर मैं यहां से चला जाऊं, सुगनी को उसका प्यार मिल गया तो मेरे यहां रुकने की कोई वजह नहीं बचती। छोटे ठाकुर, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, तुम्हें देखकर मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं, सोच रहा था ये कौन है, इतनी खूबसूरत सी लड़की है जो मेरे सामने आके खड़ी हो गई है। नानी जी ने हमसे जिद की तो हम आप कहीं जा रहे हैं? अमृता ने कहा था ना कि वो मेरा इंतजार करेगी, तो बस हमारी भी एक नई जिंदगी शुरू होने जा रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि अब आपके साथ भी सब कुछ ठीक हो जाए, आपके जीवन में भी एक नई शुरुआत हो। मेरी नई जिंदगी की शुरुआत कैसे हो सकती है सुखनी, जब अपनी जिंदगी को यहाँ पीछे छोड़े जा रहे हैं। क्या हुआ मालक, आप परेशान लग रहे हैं? नहीं सुखनी, खुश हूं मैं, एंड आई एम श्योर तुम भी खुश हो। हाँ काहे नहीं होंगे, बहुत भटके हुए से थे, कभी कछु करते कभी कछु सोचते, लेकिन अब हमने फैसला ले लिया है जिससे सब ठीक हो जाएगा, सबके जीवन में खुशियां आ जाएंगी। हमने फैसला ले लिया है कि हम अपने अपने मन की सारी बातें महासाहेब और ठाकुर मालक को सच सच दिल खोल के बता देंगे। एक मिनट, तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है मेरी तरफ से। हमारे कब लिया आपने? क्या करोगी ये जानकर? तुम ये पहनोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत प्यारा है,
आप ही इसे लाए हैं तो आप ही पहना दीजिए। लग रही सबनी, तुम हमेशा याद रहोगी, मुझे हमेशा खुशी रहेगी कि भगवान ने मुझे इतने अच्छे और सच्चे इंसान से मिलाया। भगवान तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत बड़ा उपकार किया हमारे और हमारे परिवार के ऊपर। आप इनका ध्यान रखिए। जी विक्रम, घर चले। तस्वीर देखकर भी आपको लगता है कि सुगनी बाहें फैलाए घर पर आपका इंतजार कर रही होगी? शरण में आए ताकि समय आने पर हम अपनी बहना की मदद कर सके। जीजा जी का क्या है, वो तो सुगनी से शादी करके उसे बना देंगे यहाँ की ठकुराइन है, तो तुम्हारे हक के लिए बोलने वाला कोई तो चाहिए ना। नहीं चाहिए आपकी मदद, लड़ाई यहाँ लंगड़े घोड़े पर बैठ के नहीं जीती जाती भैया, से भारी जाती है। और वैसे भी आप तो वो है जो सोने पर हाथ लगा देना तो वो भी पीतल हो जाए। निकलिए यहाँ से, हमें आपकी मदद कीजिए। हम कहीं नहीं जाने वाले, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। भैया हम जानते हैं आप हमसे मिले बिना नहीं रह सकते, लेकिन अभी नहीं, हाँ बाद में आइएगा, अब हम आपको दरवाजे तक छोड़ देते हैं। बाद में भैया, बाद में आइए, चलिए। मामा जी की फोटो मंदिर में।
इसी वक्त मामा जी पर हमला हुआ था, तो क्या इस सब के पीछे मामी जी और निरंजन का हाथ? आदित्य, आदित्य। रानी जी, मैं आपसे ही बात करने आ रहा था। तो सब मेहमान नीचे आ गए हैं और तुम इधर उधर घूम रहे हो। पहले जल्दी तैयार होकर नीचे आ, फिर बात करते हैं। जाओ, छोटे ठाकुर को तैयार करके नीचे ले, जल्दी जल्दी, फिर बात करते हैं। चलो। नानी जी से नीचे ही जाके बात करने की कोशिश करता हूँ। हमारे लिए ये कमरा हवेली के सबसे खास कमरा है, क्योंकि यहाँ हमारे सारे पूर्वजों की चीजें रहती हैं। यहाँ सिर्फ इस घर की बहुएं आ सकती हैं। हम जानते हैं कि अभी तक तुम इस घर की बहू नहीं हो, लेकिन तुम्हें इस कमरे में लाने के लिए हम इतने उत्सुक थे, रोक नहीं पाए अपने आप को। इस कमरे की साफ सफाई का जिम्मा भी बहू का होता है, और आज से ये जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपते हैं। ये लो चाबियां, लो। तुम पर यकीन है, हमें भरोसा है तुम पर, इसीलिए तो ये जिम्मेदारी तुम्हें दी है। कैसे कैसे अब भी इस भरोसे को तोड़ रहे हम? कब आएंगे अब ठाकुर मालिक? अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा हमसे। इस कमरे की हर चीज पर अब तुम्हारा अधिकार है, खानदानी गहनों पर भी। रुको, देखो ये कंगन कितने खूबसूरत है। पता है, ये हमारे खानदान में पिछले 200 साल से है। इनका काम देखो, आजकल तो ऐसा काम कर ही नहीं सकते। लो, तुम्हारे लिए। नहीं नानी जी, हम ले लो। खूबसूरत लग रहे, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। अब और इस भरोसे का बोझ ना उठा पाएंगे हम भगवान। जल्दी ठाकुर मालक आए तो नानी जी को सारी सच्चाई पता चले, और फिर हम भी ठाकुर मालक से अपनी दिल की बात साफ साफ कह देंगे। ना बताए कहाँ घर छोड़कर चले गए थे, हम कितने परेशान थे। वैसे तो हर बात में अपनी माँ साहब से पूछते हो, और ऐसे कहाँ चले गए थे तुम? आपको छोड़ के कहाँ जाते हैं माँ? आपके सारे सवालों के जवाब देंगे हम। पर पहले इस घर की होने वाली बहू से कुछ बात करना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ हाँ, जरूर। इस घर के बड़े हो तुम, और अभी आदित्य की मंगेतर नहीं उसकी होने वाली पत्नी है, तो बड़ों की सीख, परंपरा की समझ देना बहुत जरूरी है। तुम अच्छे से समझा देना, हम बाकी तैयारियां देखते हैं। हम नीचे तुम्हारा इंतजार करते हैं। जी इतना बखत लगा दिया आपने, जबरदस्ती इतने दुल्हन बने बैठे हैं आपके इंतजार में कि कब आप आए और हमें इस उलझन से निकाले।
कैसे मिल रहे हैं सुखनी? उलझन तो सारी खत्म हो गई। उतने पैसे तो तुम्हारी सर ढकाई के समय पे तुम्हें बचाने पे खर्च नहीं हुए थे जितने के जेवर और गहने पहन के खड़ी हुई इस वक्त तुम। सब तुम्हारे ही, सब हमेशा के लिए। जिंदगी की सारी उलझने तो खत्म हो गई सोनी, अब बचा क्या है? आप कहा कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ समय से हम दोनों के बीच में समझ का ही फेर है सोनी। या तो तुम हमारा प्यार नहीं समझ पाती या हम तुम्हें ही नहीं समझ पाते। ये नाटक जो इतने दिनों से कर रही हो, हमारी चिंता करने का, ख्याल रखने का, ये प्यार का ढोंग एक के बाद एक रंग बदलती है सोनी, कैसे कर लेती हो सब कुछ? थकती नहीं हो क्या? आदित्य से शादी करनी थी लेकिन जब तक हम घर वापस नहीं आते माँ ही शादी होने नहीं देती। अब जिंदा विक्रम सिंह वापस आ जाए तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी परेशानी है। तो ठीक है उसकी लाशी से। हमें तो हक दिया था हमने सुखनी, अपने आप से मांग लेती ना जान। तुम्हारी आंखों के सामने अपने सीने में खंजर उतार लेते उफ तक नहीं करते। ऐसा क्या है तुम में कि अपने हक की चीज को भी छीन कर और धोखे से लेने में मजा आता है तुम्हें? आपको लगता है कि हमने आपको मारने की कोशिश की? आपको कहा हो गया मालक? हम ये सब काहे कह रहे हैं? हमसे शादी करके भी तुम्हें वही सारे ऐश्वर्य मिलते जिंदगी में जो आदित्य से शादी करके मिलेंगे। भगवान ने किस्मत बदल दी तुम्हारी लेकिन तुमसे अपनी आदत नहीं बदली गई। ऐसा क्या है तुम नाचने वालियों के खून के अंदर जो तुम्हें एक बार का होकर रहने नहीं देता? करती हो अपनी बच्चियों के साथ ऐसा? इतने बड़े बड़े शब्द सिखा के रखते हैं इज्जत मान सम्मान, कम से कम इन शब्दों का मतलब तो समझा दिया करो ना। अगर तुम्हारी बेटी को इज्जत और मान सम्मान का मतलब समझ में आता तो जिंदगी में आज इतना गिरी भी नहीं होती जितनी गिर गई। हमने कहा था ना, एक नाचने वाली और एक ठाकुर का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ जरूरत का होता है, प्रेम का नहीं। तुम्हें इंतजार था अपने ठाकुर माला का कि वो आएंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। बस सुनी, बस अब चलो हमारे साथ, सब कुछ छोड़ दो और चलो। जाएंगे लेकिन वहां साहब को सच बताए बिना नहीं। सुनी